शराब की दुकानों पर भीड़ ना लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन में कुछ ही समय पहले शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ई टोकन का सिस्टम शुरू किया था और अब केरल सरकार भी शराब की दुकानों के बाहर भीड़ को कम करने के लिए जल्द ही एक ऐप को लॉन्च करने वाली है। आपको बता दें कि केरल स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन ने शराब की बिक्री के लिए नए वर्चुअल क्यू मैनेजमेंट ऐप को लॉन्च करने का फैसला लिया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ऐप कोची स्थित स्टार्टअप फेयरकोड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। कोविड-19 महामारी के बीच बेवेक्यू ऐप का उद्देश्य शराब की दुकानों पर भीड़भाड़ की समस्या को हल करना है। एक रिपोर्ट की माने तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम द्वारा 2-level टेस्टिंग के बाद पिछले सप्ताह समीक्षा के लिए गूगल को एप्लीकेशन सबमिट किया गया था। बेवेक्यू एंड्रॉयड ऐप तो डाउनलोड के लिए जल्द उपलब्ध होगी, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि iOS डिवाइस के लिए ये ऐप उपलब्ध कराई जाएगी या फिर नहीं। आपको बता दें कि बेवेक्यू ऐप का इस्तेमाल केरल में शराब के बिक्री के लिए ई टोकन जनरेट करने के लिए किया जाएगा। इस ऐप का इस्तेमाल 28 मई यानी कल से शुरू हो सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये ऐप काम कैसे करेगी। आपको बता दें कि शराब खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को बेवेक्यू ऐप के जरिए ऑर्डर प्लेस करना होगा। ऑर्डर प्लेस करने पर ग्राहकों को ऐप पर QR कोड के साथ ई टोकन प्राप्त होगा। इसके बाद शराब की दुकान के लाइसेंस धारक द्वारा टोकन को स्कैन किए जाने के बाद ग्राहक को शराब दी जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिन भी ग्राहकों के पास ई टोकन नहीं होगा उनको शराब नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, बेवेक्यू ऐप का इस्तेमाल कर केवल 4 दिनों में एक बार ही शराब खरीद सकेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर ऐप का अर्ली एक्सेस वर्जन उपलब्ध नहीं है।